ये तुम्हारे बस की बात नहीं श्रीमान। मैंने कहा ना कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। चाहो तो मैं सहायता कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ बेटा, किंतु ये पत्थर बहुत भारी है। अरे ये पत्थर तो बहुत भारी था, इसे कैसे उठाया? उठाया भी और फेंका भी। चार चार भैंसों का दूध पीता हूँ, बहुत ताकत है। अच्छा, विश्वास नहीं होता तो हो जाए दो दो हाथ। मैंने कहा ना, तुम अभी छोटे हो। लगता है डर गए श्रीमान। अरे भाई, इसमें डरने की क्या बात है, तुम छोटे हो इसलिए। मैं कौन सा दुश्मनी से लड़ने को कह रहा हूँ। खेल में मित्रता की भावना से ताकत को ही तो आजमाने को कह रहा हूँ। तो तुम नहीं मानोगे? बाबा, मुझे क्षमा करे बाबा, मैं अज्ञानी आपको पहचान ना सका बाबा। विलाप क्यों करता है रे पगले, मैं तो तेरे साथ खेलने आया था। किंतु बाबा, मैं तो आपका दास हूँ, फिर भला आपका मेरा क्या मुकाबला। तू नहीं जानता मोहन, तू हार कर भी सब कुछ जीत लेता है, दूर रहकर भी सबको पास बुला लेता है। अपने व्यक्तित्व और अपनी भक्ति से सबको मोह लेता है। नहीं भगवान नहीं, मुझे ज्ञानी को इन सब बातों का क्या ज्ञान। मुझे तो बस एक ही बात आती है, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। एक बात समझ में नहीं आई मामा, आप कह रहे हो कि गडरिये के साथ खेलते हुए लग गई। हाँ, लेकिन एक गडरिया आपकी पिटाई कर दे, मुझे यकीन नहीं हो रहा मामा। दाल में कुछ काला है? बेटा उदय, ना दाल में काला है ना दाल काली है रे बेटा। तू बस चुपचाप आ सिकाई कर दे, और सुन, कान्ही को कुछ मत बताना, नहीं तो वो आसमान सर पर उठा लेगी। आ आराम से बेटा, आराम से। आ, आ, आ। कोई पांव छोटा कोई पांव बड़ा है। हाँ, ये निशान
किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हो सकते? मुझे तो ऐसा लगता है ये किसी देवता के पद चिन्ह है। इसका मतलब मामा जी का किसी देवता से साक्षात्कार हुआ है। अरे उदय, अब मोहनदास जी की भक्ति से देवी देवता भी आने जाने लगे हैं। अब मोहनदास जी भी सिद्ध महात्मा बन गए हैं। सचमुच मामा जी जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। कई बार तो लगता है कि हमारे बीच मामा जी नहीं बल्कि खुद भगवान चलकर आ गए हों। जय मोहनदास की। जी सरदार, चलो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, हम खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन अगर शाम तक राशन और मुद्राएं नहीं पहुंची, तो सरदार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। बाबा, बाबा, मुझे बचा लो बाबा। क्या हुआ सालम सिंह जी, सब ठीक तो है? कहीं कोई डाकू वगैरह तो नहीं घुस आए? आप तो अंतर्यामी है बाबा, सब बातें जान लेते हैं। सचमुच डाकू ही तो घुस आए हैं। और उन्होंने धमकी दी है बाबा कि अगर शाम तक भरपूर राशन और मुद्राएं नहीं दी तो सब कुछ नष्ट कर देंगे। मूर्ख हैं, कामकाज करते नहीं हैं, बेकार में लोगों को लूटते फिरते हैं। तुम ऐसा करो, ये झंडा ले लो, इसे अपने बाण में लगाकर जिस दिशा में डाकू हैं, उसी दिशा में चला दो। ये लूटपाट छोड़कर शायद कोई काम करने लगे। जय श्री राम। जी बाबा। जय हनुमान। जय हनुमान। बालाजी महाराज। जय बालाजी महाराज। बाबा, आपकी कृपा से ये संकट भी दूर हो गया, आप धन्य हैं बाबा। नहीं नहीं सालम सिंह जी, ये सब तो मेरे बाबा बजरंग बली की कृपा है। हाँ, बाबा का मंदिर बनवाना है, आप किसी अच्छे कारीगर को मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दो। जैसी आपकी इच्छा। जैसी बाबा की इच्छा। दीवान जी, हुक्म। कल ही आसोटा जाकर किसी अच्छे मूर्तिकार को ये काम सौंप दो। जी मैं समझ गया, समझो काम हो ही गया। और कोई आदेश महाराज? बस ये काम हो जाए तो ये माटी धन्य हो जाए। जय श्री राम, जय हनुमान। चले, हट। अरे पहले बहुत देर हो चुकी है और तुम इतना आहिस्ता आहिस्ता चलोगे तो कैसे बात बनेगी। चलना। अरे हा हा।
भगवान, अभी पूरा खेत यूं का यूं पड़ा है और ये हल यही फंस के खड़ा हो गया। मरे अरे इतना भारी पत्थर, इस पत्थर ने भी हमारे खेत में निकलना था। पूरी धरती यूं क्यों पड़ी से? चल तने बाहर का रास्ता दिखाता हूं। मर गया। सुनो होकी, रोटी कौन खानी? काम कौन होवे तो मत कर, पर पेट दर्द का बहाना तो मत बनाओ। अरे बावड़ी, मैं मरे जा रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। अच्छा, इस तरह झुककर पेट पकड़े रहोगे तो कमर में भी दर्द हो जाएगा। हंसले कर ले मजाक, और मुझे कुछ हो गया ना फिर रोइयो मत। आप तो सचमुच, देख ये पत्थर उठाकर बाहर फेंक रहा था, फेंकना तो दूर, उठाते उठाते पेट में दर्द हो गया। ये देखो, ये तो बाबा की मूर्ति है। जय बाबा की। हाथ जोड़कर माफी मांग लो। हे बाबा, मैं अनजान था, आपको सामान्य पत्थर समझकर खेत से बाहर फेंकना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। मैं ठीक हो गया। सच? मैं ठीक हो गया, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा। मूर्तिकार जी, ठाकुर साहब, सालासर से कुंवर जी का संदेशा आया है कि हनुमान जी की एक मूर्ति बनवाई जाए। यूं समझो ठाकुर की बात चाकर की समझ में आ गई। ठाकुर साहब की जय हो। ठाकुर साहब, मोटाराम के खेत से हनुमान जी की मूर्ति निकली है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चलो चलकर देखते हैं। जय हो बजरंगबली जी महाराज की जय हो। हाँ? अरे भगवान, धन्य हो गए हम, आसोटा के धनी स्वयं यहाँ आए हैं। धन्य हो गए रे मारे धनी, धन्य हो गए हम। अरे भगवान, आज का दिन कितना शुभ है, जो भगवान के दर्शन हो गए और हसोटा के ठाकुर साहब के भी। मोटा राम जी, मैंने सुना है कि आप सो का सो सुना है मालिक, मारा तो जीवन सफल हो गया, धन्य हो गई हसोटा की माटी। मोटा राम जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या ये मूर्ति मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? जी जमीन से निकली हर चीज पे राजा का अधिकार हो गए, और आप तो आसोटा के धनी हो, मारे तो राजा हो, जैसी आपकी इच्छा। बस बस मोटाराम जी, आप जैसे महान विचार वाले लोगों की वजह से ही एक ना एक दिन आसोटा का नाम इतिहास में जरूर होगा। ले आदमी, काम अधूरा छोड़कर चैन की नींद सो रहे हो। कल सुबह मेरी प्रतिमा सालासर में भक्त मोहनदास के पास पहुंचा देना।
जय हनुमान। मोहन, मैंने वचन दिया था कि मैं सालासर में अवश्य आऊंगा। उसी वचन को निभाने के लिए मैं स्वयं पत्थर की मूर्ति में आ रहा हूँ। बाबा, मैं तो धन्य हो गया रे मेरे बाबा। बाबा का स्वागत जोर शोर से होना चाहिए, धूमधाम से होना चाहिए। बेसब्री से करता हूँ मैं
आज मेरे आएंगे। रोको सोमनाथ, मंदिर और बन जाए बस बस। हम तो धन्य हो गए रे मेरे बाबा, हम तो धन्य हो गए। प्रणाम बाबा। हाँ संभल के, क्या हुआ बेटा जोरावर? बाबा मेरी कमर में एक अधेड़ घाव है, लाख जतन किए परंतु घाव ठीक नहीं हुआ। बेटा आज बड़ा शुभ दिन है, जाओ बाबा की दर्शन कर लो, हो सकता है ये घाव ठीक हो जाए। जाओ बेटा जाओ। हाँ तो सालम सिंह जी, अगर यहाँ बाबा का बंगला बनवाया जाए और फिर सुबह शाम बाबा के नाम की आरती हो बस। हे बाबा मुझ दुखी पर भी दया करो, मैं इस अधेड़ घाव से बहुत परेशान हूँ। जय बाबा की। लीजिए ठाकुर साहब, आज आपको रगड़ रगड़ कर नहलाएंगे ताकि सारी थकान दूर हो जाए। अरे जरा ध्यान से लाखन, तुम्हें पता है ना मेरी कमर में अधेड़ घाव है। किंतु ठाकुर साहब कमर में घाव तो कहीं नहीं है। हाँ एक निशान तो है। क्या कहा, घाव नहीं है? है सचमुच? हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। जय बाबा हनुमान, जय बाबा मोहनदास की, बाबा की जय हो। सब ठीक तो है बेटा? बाबा मेरा घाव बिल्कुल ठीक हो गया है, अब कोई दर्द नहीं है बाबा, आपकी दया से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ बाबा। बेटा तुम मेरी नहीं बाबा की कृपा से ठीक हुए हो। बाबा मैं बजरंगी का बंगला बनवाना चाहता हूँ। आप जल्दी से कोई अच्छा कारीगर बुलवा कर काम शुरू करवाएं। जैसे जैसे सामग्री और धन की आवश्यकता होगी मैं स्वयं लेकर आता रहूँगा। बेटा बंगला तो सालम सिंह जी भी बनवाना चाहते हैं, किंतु ये काम तुम्हारे हाथों लिखा है तो यही सही। मैं एक ऐसे कारीगर को जानता हूँ, ये काम नूर मोहम्मद ही कर सकता है। लेकिन बाबा एक मुसलमान के हाथों? तू तो बावला है रे जोरावर, ये सब तो हमारे बनाए हुए धर्म है, उसकी नजर में सब एक समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई निर्बल ना कोई बलवान। बाबा आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जैसा आप चाहो वैसा करो। मैं आज ही किसी को भिजवा कर नूर मोहम्मद को बुलवा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो नूर मोहम्मद जी? सब खैरियत है भाई, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबा मोहनदास जी ने याद किया है, भवन का निर्माण जो करना है। अरे भाई मेरे तो पहले ही हालात ठीक नहीं हैं, ऊपर से बाबा ने याद किया है, घर में खाने के लाले पड़े हैं और फक्कड़ फकीर का बुलावा, वो क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? सोच लो नूर मोहम्मद, चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही, या तो अपनी मर्जी से चलो या फिर मेरी मर्जी से। जय बाबा मोहनदास की।
जी जी, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला की मेहर है जो बाबा ने याद किया है। खाली तो आप वैसे भी हैं। जरा जाकर तो देखिए, क्या पता ये भुखमरी के दिन ढल जाएं। अरे जाने से इनकार नहीं, मगर चलो मैं अभी चलता हूँ। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। आदेश महाराज। अरे नूर मोहम्मद, आओ बेटा आओ, बैठो। अरे भले आदमी, कभी कभार तो फक्कड़ फकीरों के दर्शन भी शुभ होते हैं। फक्कड़ फकीर? बाबा मैं कुछ समझा नहीं। चलो छोड़ो बेटा, ये बताओ घर पर सब खैरियत तो है? जी बाबा, सब खैरियत है। चलो बेटा चलो, ये लो बेटा, और देखो सीधे घर जाना। भाई काम काज तो ऐसे ही चलते रहते हैं, आज ठीक ठाक तो कल मंदा। लेकिन भले आदमी, घर पर राशन तो होना चाहिए। भाई बच्चे हैं, भूख कैसे सहन करेंगे? जाओ पहले घर पर राशन वगैरह दे आओ। मुझे अज्ञानी को क्षमा करे बाबा, आप तो दिल की जान लेते हो, मैं बुद्धिहीन आपके बारे में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल गया। मुझ बुद्धिहीन को क्षमा करो बाबा, क्षमा करो। चुप हो जा बेटा, गलती भी इंसान से ही होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो वो तो भगवान बन जाएगा बेटा। जाओ बेटा घर पर राशन वगैरह दे आओ, एक दो दिन में काम भी शुरू करना है। एक दो दिन क्या बाबा, मैं कल ही दाऊ को लेकर यहाँ आ जाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा कारीगर है। भाई देखो नूर मोहम्मद, ये काम कैसे कराना है और देखो किससे कराना है, ये तो जानो तुम। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि जय श्री राम, जय हनुमान। अच्छा बाबा चलता हूँ। खुश रहो बेटा। देखो बेटा, अब तो मंदिर का काम शुरू हो जाए, बस तब जी में जी आए। बेगम, ओ बेगम, अरे भाई कहाँ हो, जरा इधर तो आओ। क्या बात है, सब खैरियत तो है? खैरियत है, सब खैरियत है। ये लो राशन, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना लो। लगता है बाबा ने सुन ली। सुन ली? अरे वो तो दिल की बात जान लेते हैं। तू ठीक कहती थी, बाबा सचमुच ही कोई महान आत्मा है। मैं तो बाबा को बहुत मानती हूँ। जय बाबा मोहनदास। बेगम हा? जब तक तुम खाना बनाओ, मैं जरा कल के लिए दाऊ को कहकर आता हूँ। ऐसा बंगला बनाऊंगा कि बाबा खुश हो जाएंगे। अच्छा जी। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, दनुज वन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं, दनुज वन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानरानां अधीशं, सकल गुण निधानं वानरानां अधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बालाजी भक्त, मोहनदास जी की जय हो। हाँ, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, सिक्कर नरेश, राव राजा देवी सिंह जी स्वयं पधारे हैं। आप तो अपनी जन्मभूमि बलारा गांव पुत्र गोद लेने जा रहे थे ना, फिर भला यहाँ कैसे पहुँच गए?
जैसा सुना था वैसा ही पाया। बाबा आप तो हृदय की बात जानते हैं। मैं अपने काफिले के साथ हाथी पर बैठा बलारा गांव जा रहा था। रास्ते में ढोलास गांव के निकट एक पेड़ की डाली मेरे सामने आ गई, जिसे मैंने कटवाने का आदेश दिया, लेकिन जब वापिस आने तक भी उसे नहीं काटा गया तो मुझे क्रोध आ गया, जिससे बाबा गरीब दास जी का ध्यान भंग हो गया। क्यों ध्यान भंग करता है? जा ले जा तेरे रगड़िए को। मुझे क्षमा करें बाबा, मैं आपकी शक्ति से परिचित नहीं था। आप तो महाशक्तिवान हैं बाबा, मुझ अभागे पर भी कृपा करो, मैं निसंतान हूं। देखो शिखर नरेश, इस समय मैं ध्यान मग्न हूं। तुम सालासर चले जाओ, वहां तुम्हें मोहनदास जी मिलेंगे, उनके पास से तुम्हें निराशा नहीं मिलेगी। प्रणाम बाबा। देखो देवी सिंह जी, मैं तो केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, करना ना करना, होना ना होना, सब उसके हाथ में है। आप एक नारियल बाबा को अर्पण कर दें और उसी नारियल को जाल वृक्ष से बांध दें। हाँ, दुजोद गांव के आपके संबंधी महोवत सिंह जी की पुत्री से विवाह कर लीजिए, आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आपके कुल की मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। बाबा मैं इस शुभ कार्य को अभी करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। कष्ट ये हरने वाला ये ही बलकारी है, भक्तों का है रखवाला ये ही हितकारी है, अपने दिल पे लिख लो जय हनुमान, बोलो श्री राम, बोलो सिया राम। माँ बहुत दिन हो गए मामा जी घर नहीं आए, तू कहे तो मामा जी को घर ले आऊं। माँ 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 बहना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बहना, रिपावड़ी रुक जा। Ha 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 ha
यूं तो बता, तेरे सिवा था कौन इस दुनिया में मेरा? एक तू ही तो थी जो मेरी एक मेरी बहना ही तो थी, एक मेरी बहना ही तो थी इस दुनिया में मेरी, जो मेरी माँ के समान थी। रे बावड़ी, तेरे कारण ही तो मैं साला सर में आया था। ले रे मोहन, खाना खा। ले मोहन, खाना खा ले। रे मोहन, तू तो बावला है रे मोहन, तू बावला है, तू बहुत भोला है, भोला है। मुझे तेरी बहुत चिंता है, और अब इस तरह छोड़ के सारे रिश्ते नाते तोड़ के चली गई। दादी, मोहन, बहना मुझे छोड़कर चली गई बाबा, छोड़कर चली गई। रे बावलिया, तू इस तरह विलाप करेगा तो उदय और उसके बच्चों को कौन समझाएगा? और देख, ये तो संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और तेरी बहना तो अमर हो गई है। रे जा, अपनी बहना का क्रियाकर्म कर, उदय और उसके बच्चों को धीर बंधा। भक्त शिरोमणि बाबा मोहनदास की जय हो। बाबा, आपके आशीर्वाद से 10 महीने में ही मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। रे मैं कौन हूँ किसी को कुछ देने वाला, सब कुछ वही देते हैं, मेरे बाबा देते हैं। बाबा, मैं सालासर धाम के लिए कुछ भूमि दान देना चाहता हूँ, और उस भूमि पर भक्त जनों के लिए भवन निर्माण करवाना चाहता हूँ। जैसी बाबा की इच्छा। बेटा ईसर। जी बापो। सुन जरा बेटा, जल्दी जा और एक मोहरों वाला घड़ा ले आ बेटा। मोहरों वाला घड़ा? ठीक है बापू। इसका मतलब है काफी सोना होगा, चांदी होगी, जवाहरात होंगे। लो बापू, यही वाला घड़ा है ना। किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो काट के रख दूंगा। ये मोहरों वाला घड़ा मेरा है, इसमें जो कुछ भी है मेरा है। लेकिन भले आदमी, इसका नाम मोहरों वाला घड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। हैं? केसर सिंह के साथ धोखा। बाबा बाबा, अनर्थ हो गया बाबा, अनर्थ हो गया। क्या बात है, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? बाबा, मैं लकड़ी काट रहा था, मैंने देखा पटोदा के डाकू केसर सिंह ने उदयराम पर हमला कर दिया, वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उससे कहो कि ठीक से दवा करे, मलहम का लेप लगाए। जाओ। क्षमा करें बाबा, छोटा मुंह और बड़ी बात। याद करो बाबा, आपने अपनी बहन कहानी देवी को
ये वचन दिया था कि उदय और उसके परिवार का ध्यान रखूंगा। आज वे मुसीबत में हैं। आप घर नहीं जा रहे क्योंकि आपकी बहन कहानी नहीं रही। बस क्या उदय आपके लिए कहानी देवी की निशानी नहीं है? क्या उदय आपकी? बस करो केसर सिंह, ये तूने ठीक नहीं किया। मेरे लिए मेरी बहन कान्ही का लाडला उदय मेरे जीवन से भी ज्यादा अनमोल है। तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ठहरो गुरु भाई मोहनदास, ठहरो गुरु भाई मोहनदास, तुम ये क्या करने तुम चले? तुम नहीं जानते गुरु भाई राघवदास, उस डाकू केसर सिंह ने मेरे भांजे को। हम जानते हैं, लेकिन जो कार्य तुम करने जा रहे हो वो साधु संतों को शोभा नहीं देता। तुम तो महाज्ञानी हो, तीव्र बुद्धिमान हो, फिर भला तुम्हारी बुद्धि वर्मित कैसे हो गई? तुम तो क्षमा दान देने वाले अहिंसा के पुजारी हो। इस तरह आवेश में आना ठीक नहीं। सब कुछ अपने इष्ट देव प्रभु बालाजी महाराज पर छोड़ दो। रही बात केसर सिंह की, उसे तो मैं श्राप दे चुका हूँ। अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। जाओ और अपने भांजे उदय राम को संभालो। बापू, बापू, बापू। बेटा उदय। मामा जी, आप? बस बस बेटा बस, तू ठीक तो है बेटा? हाँ मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा लगा जैसे कोई अलौकिक शक्ति मुझ में समा गई हो, जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया मामा जी। फिर तो ये जरूर मेरे बाबा की कृपा है। बेटा तू ऐसा कर, मेरे साथ चल बेटा, और देख सबको इकट्ठा कर ले, कोई जरूरी काम है। ठीक है मामा जी, मुनाइदी करा देते हैं जिससे सब इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है बेटा, शाबाश, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा दर्शन तो, दर्शन तो मेरे बाबा। मोहन, क्या संकट है रे, क्यों दुखी है? हे बाबा, आप अपने इसी रूप में मूर्तिवान होकर साला सर पर अपनी कृपा दृष्टि कर दें, जिससे सभी भक्तों का कल्याण हो जाए। ये तुझ जैसे सिद्ध पुरुषों की धरती है मोहन, मैं इस पावन धरती साला सर में सदा विद्यमान रहूंगा। और जो भी भक्त सच्चे मन से मेरे दरबार आएगा वो खाली नहीं जाएगा। जय श्री राम। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, अपना चोला उदयराम को दे रहे हैं? क्या इतनी जिम्मेदारी ये संभाल पाएगा? क्यों नहीं संभालेगा, मेरे साथ रहा है, मैं जानता हूं इसे, अपनी जिम्मेदारी भली भांति संभाल सकता है। किंतु भक्त शिरोमणि, हाँ आप ब्रह्मचारी,
ये गृहस्थी, भला ये आपके चोले का तेज सह पाएगा? बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, मेरे भांजे को ये चोला ग्रहण करने दे। हाँ, जब भी ये आपकी सेवा में होगा तो ये प्रत्येक पालना करेगा। बेटा उदयराम जी, मामा जी, इस भवन में आने वाला प्रत्येक आदमी, चाहे वो छोटा है बड़ा है, ऊंच है नीच है, कभी किसी में मतभेद ना होने देना। इस चोले को तेरे वंशज ही ग्रहण करके यहाँ का कार्यभार संभालेंगे। यहाँ चढ़ाया हुआ घी और नारियल कभी किसी और कार्य में ना लिए जाएं। बेटा मुझे वचन दे, मुझे वचन दे कि तू साला सिर की पावन धरती पर सदा सेवा करेगा। मैं वचन देता हूँ मामा जी, मैं सदैव यहाँ सेवक बनकर सेवा करता रहूंगा। बस बस बेटा बस, तूने मेरा मान रख लिया, अब मैं चिंता मुक्त हूँ। देखो भाई, मेरा जो कार्य था मैंने पूरा किया, अब आप सभी पर बाबा की कृपा है। भला अब इस शरीर को लिए लिए फिरने से क्या फायदा, और वैसे भी बहन काने के जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता। अब मैं इस संसार की मोह माया से मुक्ति लेकर इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। लेकिन बाबा। बस बेटा बस, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए बाबा में विलीन होना चाहता हूँ। कल सुबह भजन मंडली के साथ मुझे विदाई चाहिए। जैसे आपकी इच्छा बाबा, चलो चलो भजन कीर्तन की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, चलो। जय श्री राम, जय हनुमान। इस जग से भर गया मन, इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। प्यासा मैं दर का तेरे, प्यासा मैं दर का तेरे, आके गले लगा ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन। जगाने वाले।
जग चाहे रूठे सारा, जग चाहे रूठे सारा, तुमको हम मना ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन। ना मांगू हीरे मोती, मुझे दास तू बना ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन। अभी सांसें चल रही हैं, अभी सांसें चल रही हैं, अपना मुझे बना ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन। और इस तरह बाबा मोहनदास जी हमेशा के लिए बाबा हनुमान जी में विलीन हो गए और सालासर सालासर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज यहाँ समस्त संसार से भक्त जन आते हैं और बाबा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बाबा हनुमान की जय हो। बोलो बाबा हनुमान की जय हो। बुद्धिहीन तन जान के सुनि रहो अब हनुमान, कर बुद्धि विद्या देहु मोहि कर उपदेश निकाल। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं। दनुज वन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं। दनुज वन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानरानाम धीसं।